उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार स्थल पर कल्याण सिंह के पोते और राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। संदीप ने अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। कल्याण सिंह जी की अस्थियों का एक कलश आज बसी घाट पर विसर्जन किया गया। बाकी दो कलश की अस्थियों को परिवार के लोग अयोध्या और काशी में विसर्जन करने के लिए जाएंगे। संदीप सिंह का कहना है कि जिन लोगों ने बाबूजी के अंतिम दर्शन नहीं किए हैं वो इस कलश के दर्शन कर सकते हैं। बाबूजी मेरे पापा के सगे माता जी के। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ जो अंतिम संस्कार स्थल है यहाँ आ चुके हैं, आज क्या क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से अस्थि विसर्जन किया जाएगा, कितने कलश लिए जाएंगे और कौन सा कलश कहाँ कहाँ जाएगा बताइए। वही तीन कलश बताए जा रहे हैं जिसमें एक कलश यहाँ जाएगा, एक कलश काशी जाएगा और एक कलश अयोध्या जाएगा। कब तक परिजन यहाँ पर आने की संभावना है? मंत्री जी तो अभी 20 मिनट में हमारे बीच में पहुँच रहे हैं और बाकी के 9:30 बजे वहाँ से, मतलब 10:15 बजे तक। तो यहाँ से एक यात्रा जो राजवीर जी ने एक सोशल मीडिया पर मैसेज किया है, एक यात्रा यहाँ से शुरू की जाएगी मंडोली तक अस्थि कलश की, उस यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए। जगह जगह पॉइंट बनाए गए हैं, जो लोग उस दिन दर्शन से बाबूजी के से वंचित रह गए थे उनको आज दर्शन करने का एक और बार मौका मिलेगा। और अतरौली उनका पैतृक गांव है ना, तो वहीं पे जाके वो अस्थि कलश रखे जाएंगे। वो कलश वहाँ कब तक रखे जाएंगे, फिर वहाँ से आगे यात्रा कब शुरू होगी? अब आगे की तो अभी शोक सभा के बाद ही शायद आगे हो, उससे पहले तो शायद अभी अस्थि नहीं है। देखिए जिस तरह से ये पूरा एक कार्यक्रम बनाया गया है, आज सभी परिवारजनों के द्वारा यहाँ पे आकर के जो अस्थियों को एकत्रित करने का कार्यक्रम होता है उसको आज किया जाएगा। और यहाँ गंगा जी में भी आज अस्थि विसर्जन पूज्य बाबू जी के अस्थि विसर्जन को किया जाएगा। और इसके बाद जो ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है 1 तारीख का, उसके बाद में जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है उसको सभी परिवार के जन के द्वारा काशी में और अयोध्या में जा कर के हमारे सभी हम परिवारजनों के द्वारा किया जाएगा। और बाकी की जितनी भी हमारी प्रमुख नदियां हैं और जिस तरह से पार्टी ने एक रूपरेखा बनाई है वो पार्टी के द्वारा तय किया जाएगा कि जहां जहां पे अस्थि विसर्जन करनी है वो पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और परिवारजनों के द्वारा काशी में जा कर के और अयोध्या में जा कर के पूज्य बाबू जी के अस्थि का विसर्जन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह न सिर्फ बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक थे बल्कि जनमानस के बीच एक लोकप्रिय नेता भी थे। यही वजह है कि लोग उनके कलश दर्शन को काफ़ी व्याकुल हैं। जाहिर है कि जो उनके दर्शन करना चाहते हैं वो इस मौके का लाभ लेकर दर्शन कर सकते हैं। कल्याण सिंह जी भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनके योगदान को ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। बुलंदशहर से दिल से यूपी चैनल के लिए त्रिलोक चंद्र की रिपोर्ट।